आज से तकरीबन 4 दशक पहले 19,000 से 20,000 फीट ऊंची चोटियों पर पहुंचना, वो भी ये जानते हुए कि दुश्मन को खबर भी लगी तो काम तमाम। क्योंकि नरेंद्र पुल कुमार पहली बार जब अपने साथियों के साथ इन चोटियों पर चढ़े तो उनके पास कोई हथियार नहीं थे। आज के आधुनिक यंत्र और जानलेवा ठंड से बचने के लिए उस वक्त के कपड़े और सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इन आसमानी ऊंचाइयों पर फतेह हासिल की। इससे पहले हम आपको इस कहानी के हर सिरे से परिचित कराएं, आप बार बार ये नाम सुन रहे होंगे, नरेंद्र बुल कुमार। नरेंद्र कुमार को ये बुल का उपनाम कैसे मिला वो कहानी बेहद दिलचस्प है। साल 1954 का था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन हुए नरेंद्र कुमार हिस्सा बने कुमाऊ राइफल्स का। यही वो एकेडमी थी जहां उन्हें बुल का नाम मिला। नरेंद्र बुल कुमार नाम के पीछे भी बेहद दिलचस्प कहानी है। अपने सीनियर सुनीत रोड्रिग्यूस के खिलाफ वो एक बॉक्सिंग मैच खेलने उतरे लेकिन हार गए। लेकिन नतीजे से ज्यादा मैच के बाद चर्चा हुई उस कोशिश और उन पैतरों की जो उन्होंने मैच के दौरान अपने से 6 इंच ऊंचे रोड्रिग्यूस पर अपनाई। ये वही सुनीत रोड्रिग्यूस हैं जो आगे चलकर सेना प्रमुख भी बने। इस बाउट यानी कि मुक्केबाजी के मुकाबले ने नरेंद्र कुमार को बना दिया नरेंद्र बुल कुमार। सेना के अफसरों की एक लंबी कतार जिनके मुताबिक अगर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडेंट के रूप में सियाचिन ग्लेशियर और साल्टोरो रेंज में वो अभियान नहीं चलाते तो शायद इस वक्त सियाचिन पर पाकिस्तान का कब्जा होता। नरेंद्र बुल कुमार ने ऑपरेशन मेघदूत से पहले हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भारतीय सेना को सियाचिन के लिए ट्रेन किया था। इस ट्रेनिंग का हिस्सा रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जिन्होंने बेलाफोंड ला में अपनी टीम की मदद से भारत को सियाचिन में अपराजित बढ़त दे दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने बार बार कोशिशें की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कर्नल नरेंद्र कुमार का हर रणनीतिक मोर्चे पर याद आना बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि सियाचिन का चप्पा चप्पा उनके दिमाग में चस्पा था। भारतीय सेना को जो ताकत उनकी जानकारी से मिली वही बैटल ऑफ सियाचिन में टर्निंग पॉइंट बनी। साल था 1978। कर्नल नरेंद्र कुमार पुल के पास जर्मनी का एक अभियान दल पहुंचता है। उस दल के पास सियाचिन के साथ साथ आसपास के इलाके का पूरा नक्शा मौजूद था। ये एक अमेरिकी नक्शा था जिसे कर्नल कुमार ने खरीद लिया था। नक्शे में 10,000 वर्ग किलोमीटर का भारतीय इलाका पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था, जिसकी जानकारी दिल्ली में DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को पहली बार कर्नल नरेंद्र पुल कुमार ने ही दी थी। DGMO के पास दिल्ली में यह जानकारी पहुंची और सारी कहानी सभी लोगों को समझ आ चुकी थी। यहां से एक बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को तैयारी अब युद्ध की ही करनी होगी, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में। DGMO की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ अब सबूत जुटाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कर्नल बुल को कह दिया गया था कि आपको जल्दी से जल्दी सबूत जुटाने हैं, जिसके लिए इन चोटियों पर खामोशी के साथ चढ़ाई जरूरी थी। साल 1978 में कर्नल नरेंद्र कुमार ने सियाचिन के ग्लेशियर पर चढ़ाई की और वहां उन्हें जो कुछ मिला वो अपने साथ लाए। साथ ही इस दौरान उनकी खींची तस्वीरें, उनकी जानकारी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। चढ़ाई, तर्रे, तीरे, सब कुछ कर्नल बुल अपने कैमरे के साथ साथ अपने दिमाग में भी कैद कर चुके थे, जिसके बारे में बेलाफोंड ला जीतने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुलकर्णी बताते हैं। भारतीय ही नहीं, खुद पाकिस्तानियों ने यह माना कि भारत ने सारी तैयारियां पाकिस्तान से पहले ही कर ली थी, जो ये साफ कर रहा था कि कैसे पाकिस्तान की सारी योजनाओं पर कर्नल बुल की जमा की हुई जानकारियों ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद जो भी कोशिशें की वो हर कोशिश नाकाम रही। साल 2020 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को यह खबर आई कि रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में नरेंद्र बुल कुमार ने आखिरी सांस ले ली है। संवेदनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय सेना से लेकर सेना के कई पूर्व अधिकारी
हर कोई अपने अपने तरीके से नरेंद्र बुल कुमार को याद करने लगा। कर्नल नरेंद्र कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अपूर्णीय क्षति। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने असाधारण साहस और परिश्रम के साथ राष्ट्र की सेवा की, उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना। पीएम मोदी के ट्वीट के साथ साथ आपको साल 2015 की वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कर्नल नरेंद्र कुमार से मुलाकात भी की थी, तब उन्होंने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया था। पीएम मोदी से लेकर सेना के पूर्व अधिकारी, हर कोई नरेंद्र कुमार के कमाल को याद कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी रिटायर्ड कर्नल को ट्वीट कर याद किया। सोलतोरो रेंज और लद्दाख के दूसरे इलाकों पर हमारा वर्चस्व कर्नल नरेंद्र के साहसिक यात्राओं का ही हिस्सा है। उनका नाम हमेशा सेना के समृद्ध इतिहास में याद रखा जाएगा। सियाचिन की इन ऊंची ऊंची चोटियों पर अगर आज भारतीय सेना तैनात है तो इसके पीछे हैं कर्नल नरेंद्र पुल कुमार। चीन और पाकिस्तान के बीच के इस हिस्से पर भारत अगर आज मौजूद है तो इसके पीछे कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ही है। इन तस्वीरों को हर कोई याद रखेगा, इन चोटियों को हर कोई याद रखेगा, इस योगदान को हर कोई याद रखेगा। स्वर्गीय कर्नल नरेंद्र बुल कुमार के योगदान को हर कोई याद रखेगा।